लपेट लपेट। बोर्ड पर लिखवा रखा है ना कि चोरों से सावधान रहिए। तुम लोग सावधान नहीं रहते तो हमारी क्या गलती? मेरी गलती है और किसकी? काश कि मैं पहले ही पुलिस स्टेशन आ गया होता। सर मेरा फोन। यहाँ फोन अलाउड नहीं है। पब्लिक प्लेस में गाली गलौज किया। हफ्ता वसूलने की साजिश 294B IPC। पब्लिक न्यूसेंस 290 IPC। सर ये सब मैंने नहीं किया सर। बहुत जल्दी तेरी फोटो वहाँ बोर्ड पे मिलेगी, चाहे तूने किया हो चाहे ना किया हो। ₹2000 घर ले जाने पड़ते हैं, अगर नहीं ले जाओ ना तो बीवी पास नहीं आने देती। फिर आपने शादी ही क्यों? चुप करो यार। ₹5000 फाइन भरो और निकल यहाँ से। कैसा फाइन सर? बहुत ज्यादा बोल रहा है क्या तू? सर लेकिन मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। राव जी FIR फाइल करो, थोड़ी देर में रिमांड पर लेते हैं इसे। बंद रहता, तुम जाकर साफ समझो। कौन, अनिल सर है क्या? अनिल सर मैं तुम्हारे दोस्त को पहचानता हूँ, कॉफी पियोगे? ये लो तुम्हारा फोन, किसी से बात करना है तो कर लो। और ये रहा तुम्हारा बैग। तू यहाँ क्या कर रहा है? ए राव साहब, ये बहुत बदतमीज इंसान है, इसे चेयर पर नहीं। ₹5000 भी गवाए और पूरा दिन भी बर्बाद किया, मजा आया? ए रुक यार, ये तेरी फ्रेंड है? नहीं है। अच्छा तुम तो मेरे फ्रेंड बन सकते हो। हाँ हाँ, एनी टाइम। तो इस तरफ आने। मैं हूँ अभी तक ब्रह्मचारी, मेरा नाम है रामाचारी। आई एम इंदुमती। क्या मती? इंदुमती। इंदु मींस मोर, मती मींस ब्रेन। समझ गया, तुम्हारी कोई बहन है क्या? हाँ, दो हैं, चंद्रमती चारुमती। तुम्हारे पिता रघुमती। हेलो, क्या हुआ? वो रघुपति है। इस हिसाब से तो तुम्हारी माँ जरूर भानु। तो पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ता। लड़का लड़की पहले दिन मिलते हैं, दूसरे दिन बातचीत करते हैं, तीसरे दिन कॉफी के लिए सीसीडी में जाते हैं, फिर कहीं पार्क या रेस्टोरेंट में बैठकर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर प्यार की बातें करते हैं। आजकल यही सब होता है यार। तूने उसे पेट नेम दे दिया? हर लड़की को अपना पेट नेम सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तू ये नहीं समझेगा। मुझे तो नहीं दिया। तू फ्रॉक पहनकर घूमने वाला कोई आइटम है क्या? और उस लड़की ने तुझसे इतने प्यार से बात नहीं की, सो यू फीलिंग जेलस? जेलस? वैसे वो कल कोर्ट में क्यों आ रही है? ये अच्छा सवाल पूछा, लेकिन जवाब मुझे नहीं मालूम। जज से बात कर रहे हैं? नहीं सर। तुम पहली बार कोर्ट में आए हो क्या? बहुत सोच समझ कर जवाब दो। तुमने सिग्नल तोड़ने की कोशिश की थी क्या? नहीं सर। ये क्या बकवास कर रहा है? समझाया था कि नहीं? समझाया था यार, इसे सच कहने की बीमारी है। मैंने कोई गलती नहीं की सर, मेरे साथ तो ज्यादती हुई है। मैं अपनी जगह बिल्कुल सही था। वो साहब ने मुझे बहुत परेशान किया। उन्होंने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता सर। एक्चुअली उस वक्त सिग्नल काम नहीं कर रहा था, ट्रैफिक क्लियर करने की बजाय ये साइड में खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे सर। ऐसे में चारों तरफ से ट्रैफिक जाम हो गया और ये साहब कुछ एक्शन लेने के बाद सर वॉशरूम गई है। वापस आएगी ना? इन्होंने तो मेरे पेपर्स भी चेक नहीं किए, यहाँ तक कि मेरी एक बात भी नहीं सुनी सर। और जब मैंने उन्हें कानून बताया तो मुझे धमकी देने लगे कि मैं तुझे कोर्ट में सबक सिखाऊंगा उन्होंने। उसके बाद मैंने बस पकड़ी सर, उसमें मेरा पर्स चोरी हो गया। और जब मैंने चोर को पकड़ने की कोशिश की तो उल्टा पुलिस मुझे ही पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गई सर। तब वो चोर मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने में कामयाब हो गया सर। फिर में उन्हें सैल्यूट करने का मन करता है सर। रिश्वत ना देना तो एक अच्छा काम है ना। वो देखिए सर, वो पिंक शर्ट में जो बैठा है मेरा फ्रेंड रामचंद्र है। उसी ने ₹5000 रिश्वत देकर मुझे बाहर निकाला। बहुत बहुत थैंक्स यार, अच्छी खासी मरम्मत हो गई। तेरी दोस्ती के खातिर मुझे आज ये दिन भी देखना पड़ा। ए आरिफ। हाँ साहब। तूने जो मंगवाया था आ गया। शुक्रिया साहब। जानता हूँ लॉकअप में ये सब गलत है। हम क्या बदल सकते हैं?